नमस्कार दोस्तों, मैं देवा राजपूत मेरे YouTube चैनल DSR देवा म्यूजिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्री कृष्णा जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण जी के दो बहुत ही प्यारे भजन कीबोर्ड पर प्ले करना सिखाने वाला हूं। ये बहुत ही सिंपल है और छोटे छोटे भी हैं, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से कीबोर्ड पर प्ले करना सीख जाएंगे यदि आप इस ट्यूटोरियल वीडियो के साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर देना और मेरे वीडियोस पे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। चलिए अब हम इन प्यारे भजन को कीबोर्ड पर प्ले करना सीखना स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले जो भजन हम कीबोर्ड पर प्ले करना सीखने वाले हैं, एक बार मैं आपको वो भजन प्ले करके बता देता हूँ, ठीक है? देखिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे पहले हम इस भजन को कीबोर्ड पर प्ले करना सीखेंगे और कौन कौन से कीज हैं जो इन दोनों भजन को प्ले करने में यूज होंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? ये 7 कीज हैं जिन पर हम इन दोनों भजनों को प्ले करना सीखेंगे। कोई सा भी 8 नंबर का कीज नहीं आएगा, ठीक है? अब स्केल कौन सी है, स्केल भी हम प्ले करना सीखते हैं। देखिए, सारे यह है एफ शार्प नोट, हमारी स्केल है एफ शार्प मेजर। एफ शार्प मेजर स्केल में ही हम ये दोनों भजन प्ले करना सीखेंगे, ठीक है? और कीज कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, राइट? अब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वाली लाइन हम प्ले करना सीखते हैं सी शार्प नोट से, सी शार्प की काली एक स्वर। देखिए, श्री कृष्ण गोविंद, ठीक है? अब इसके आगे एफ शार्प नोट से, हरे मुरारी, राइट? फिर से देखिए, सबसे पहले सी शार्प की से, श्री कृष्ण गोविंद, अब इसके आगे की लाइन एफ शार्प नोट से, हरे मुरारी, ठीक है? अब इसको मैं आपको एक साथ प्ले करके बता देता हूँ। देखिए, आगे हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये वाली लाइन हम प्ले करना सीखते हैं एफ नोट से। देखिए, सफेद 4 से, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ठीक है? फिर से देखिए, थोड़ी सी टफ लाइन है एफ नोट से, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देखिए, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभी मैं आपको सिर्फ प्ले करके बता देता हूँ। देखिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमने दोनों लाइनों को प्ले करना तो सीख लिया है, अब मैं आपको एक बार प्ले करके बता देता हूँ दोनों लाइनों को एक साथ। देखिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, अब सेकंड लाइन, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ठीक है? अब आप भी मेरे साथ प्ले कीजिएगा, मैं एक बार पूरा प्ले करता हूँ, ठीक है? Thank you.
रिपीट कीजिए। इसी तरह से हमें यह भजन प्ले करना है। ये तो हो गया हमारा पहला भजन। अब हम चलते हैं दूसरे भजन की तरफ, और दूसरा भजन है अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम। ठीक है, इसकी दूसरी लाइन है, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो ये वाला भजन हम प्ले करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ कि ये भजन कैसे प्ले होता है, फिर हम प्ले करना सीखते हैं। राइट, देखिए, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। यही भजन हम प्ले करना सीखते हैं। अब देखिए, इस भजन की सबसे पहली लाइन अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, इस लाइन को हम प्ले करना सीखते हैं एफ शार्प नोट से। अच्युतम केशवम, ठीक है, एक और बार देखिए, अच्युतम केशवम, फिर इसके बाद कृष्ण दामोदरम। राइट, फिर से देखिए, कृष्ण दामोदरम। अब इस लाइन को हम एक साथ प्ले करना सीखते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। ठीक है, फिर से देखिए, एक बार देखिए, अब इसके आगे की लाइन राम नारायणम जानकी बल्लभम, ये वाली लाइन हम प्ले करना सीखते हैं एफ शार्प नोट से। देखिए, राम नारायणम जानकी बल्लभम, फिर से देखिए, राम नारायणम जानकी बल्लभम। ठीक है, थोड़ी सी टफ लाइन है इसलिए एक और बार मैं आपको सिखा देता हूँ, राम नारायणम जानकी बल्लभम। ठीक है, अब मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ, देखिए। राइट, अभी यहां पर हमने दोनों लाइनों को प्ले करना तो सीख लिया है, अब मैं आपको दोनों लाइन एक साथ प्ले करना सिखा देता हूं, हो सके तो आप भी मेरे साथ प्ले करने का ट्राई कर सकते हैं। देखिए, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम। ठीक है, अब इसके आगे जो लाइन है, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, ये लाइन भी बिल्कुल सेम टू सेम होगी, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। देखिए, कौन कहते हैं भगवान खाते फिर से रिपीट करते हैं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। अब इसके आगे की लाइन एफ शार्प नोट से, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। ठीक है, फिर से देखिए, बेर शबरी के जैसे एक बार मैं आपको ये भजन पूरा एक साथ प्ले करके बता देता हूँ, और आप भी मेरे साथ प्ले करने का ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। अब दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको कैसा लगा ये मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं।